नमस्कार, राजस्थानी कुक बुक बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी सूखे काजर की चटनी। ये खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये रेगिस्तानी एरिया में होता है और इसको सुखाया जाता है। ये राजस्थानी के हर घर में आपको मिलेगा। फ्रेश कासर जो होते हैं वो ब्राउन येलो कलर के होते हैं, वो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार कासर में अनेक औषधीय गुण होते हैं। कासर में प्रोटीन होता है और ये खट्टा स्वाद देता है, और पकेले रहते हैं उसमें खट्टा मीठा स्वाद होता है। ये राजस्थानी खाने को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। चटनी झटपट तैयार हो जाती है। चलिए अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। हरा धनिया और पुदीना मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा था। अभी 4 से 5 पानी से इसको अच्छे से मैंने वॉश किया। ये राजस्थान का सूखा काचर है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका पाउडर करके गवार की सब्जी, चावली की सब्जी, बीन्स की सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनेगी। और इसका चटनी पुदीना, हरा धनिया और कासर का चटनी से पराठा, नान, रोटी, खाकड़ा और दाल बाटी इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले कासर को तोड़ेंगे। ये मैं हमाम दस्ते में बना रही हूँ। इसे हमाम दस्ते में बनाने से बहुत ही स्वाद बढ़िया आता है। इसे मिक्सर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ। ये हमाम दस्ते में अभी कोथमीर और पुदीना डालते हैं और इसको बारीक करते हैं। बारीक अच्छे से करना है। अभी मसाला डालते हैं। नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून इसमें जैगरी डालेंगे यानी गुड़। आपको मीठा ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा डालिए। राजस्थान में ये चटनी हम सिलबट्टे पे भी बनाते थे, और अभी इधर सिलबट्टा नहीं है तो हमाम दस्ते में बनाते हैं। आप भी बनाइए। ये ऑलमोस्ट क्रश होने को आ गया है, इसको और थोड़ा क्रश करेंगे। ये देखिए, राजस्थानी कासर चटनी रेडी। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।